रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लगातार मिल रही अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद बीती देर रात संजय गांधी अस्पताल के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल और अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीन और अधीक्षक ने हर वार्ड का निरीक्षण किया और सिक्योरिटी सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी देखे। रात्रि भ्रमण को लेकर डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कई दिनों से इस बात की जानकारी मिल रही थी कि कैजुअलिटी और आईसीयू में काफी वर्कलोड रहता है। इसके अलावा लगातार चोरी की भी शिकायत आ रही थी, जिसके बाद बीती देर रात औचक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कैजुअलिटी में ज्यादा वर्कलोड हमें देखने को मिला है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसको लेकर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को देखने वाली हाइस्ट कंपनी के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब अगर आगे किसी भी प्रकार की चूक होगी या चोरी जैसी घटनाएं होंगी तो कंपनी के ऊपर जुर्माना ठोका जाएगा। डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने कहा कि काफी कुछ व्यवस्थाओं से वह संतुष्ट रहे और जहां कमियां पाई गई हैं उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, ये देर रात अस्पताल में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, कई दिनों से देख रहे थे कि रात में ये देखना चाहते थे, हम और अधीक्षक दोनों गए थे डॉक्टर राहुल के साथ में, कि अस्पताल में रात में कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं। ज़्यादातर कैजुअल्टी में ज़्यादातर वर्कलोड रहता है और इमरजेंसीज में आईसीयू में क्या रहता है, और इन और कर्मचारी हैं अपने, साफ सफाई है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इन सब की व्यवस्थाएं देखना चाह रहे थे तो वो सब देखने गए थे। तो कई जगह पर हमें कमियाँ मिली हैं, उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। साफ सफाई में भी बोला है, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बोला है, और बाकी की काफ़ी वैसे संतोषजनक थी वैसे तो काफ़ी चीज़ें। जी, सिक्योरिटी गार्ड वालों को और हमने स्ट्रिक्ट होने के लिए बोला गया है कि ये अपनी देखें, और हमने उनको पेनल्टी भी लगाना शुरू कर दिया। अब सिक्योरिटी की तरफ से अगर कोई चोरी होती है तो हम ये पेनल्टी जो सिक्योरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाइट्स कंपनी उसके तौर पर लगा रहे हैं, और कोई भी डैमेज होगा हम उनके तौर पर लगाएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है, इस पर उनको निभाना चाहिए।